हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है हिबिस्कस का पौधा, मतलब जो है दोस्तों गुड़हल का प्लांट। और गुड़हल का जो प्लांट होता है दोस्तों, वो एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। पूरे ही गर्मी में जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों इसकी ग्रोथ भी होती है। आप मेरे गुड़हल के पौधे को देख सकते हो, मेरे गुड़हल के पौधे में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, एकदम जो है दोस्तों बम्फर फ्लावरिंग हो रही है। और फ्लावर्स के साइज़ भी देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी एकदम बड़ी बड़ी साइज़ की फ्लावर आ रही है। तो गुड़हल का जो पौधा होता है दोस्तों, वो हम सभी लोग जो है अपने गार्डन में लगाने का शौकीन रखते ही रखते हैं, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है वो जो है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में उसकी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी मान्यता है। बहुत सारे लोग जो है दोस्तों इसके फूलों को पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, और तो और जो है दोस्तों इसके मेडिकल लाइन में भी बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इसके फूलों के जो है दोस्तों वो मेडिकल लाइन में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये जो है दोस्तों अलग अलग कलर का, अलग अलग वेराइटी का भी मिल जाता है। इसमें हाइब्रिड भी मिलता है दोस्तों, और देसी किस्म का भी मिलता है, और बहुत ही अलग अलग वेराइटी का मिल जाता है दोस्तों, अलग अलग कलर का मिल जाता है। इसलिए भी बहुत सारे लोग गुड़हल के पौधे को अपने गार्डन में लगाने का शौकीन रखते हैं। लेकिन गुड़हल का पौधा जो है दोस्तों, आप अपने गार्डन में लगा दोगे और सोचोगे कि पूरे ही गर्मी में ये अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको समय समय पर उसको न्यूट्रिशन देना ही पड़ता है और उसकी अच्छी खासी केयर करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो है दोस्तों ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। तो समर में जो है दोस्तों ये फ्लावरिंग तो करता ही है, लेकिन अगर आप इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो दे दोगे तो इसमें भी जो है दोस्तों वो बम्फर फ्लावरिंग होने लगती है। और जब हम लोग अगर हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं और गमले में जब हम लोग पौधे को लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन का और कोई सोर्स नहीं मिलता है, और कहीं से जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। अगर आप उसको जो है दोस्तों वो ज़मीन में लगाए हो तो फिर वो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से ले लेगा, लेकिन जब हम लोग गमले में लगाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन का सोर्स कहीं से नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है दोस्तों हमें उसको न्यूट्रिशन देना ही पड़ता है। तो समय समय पे अगर आप न्यूट्रिशन दोगे तो आपका गुड़हल का भी जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्फर फ्लावरिंग करने लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है दोस्तों अपने गुड़हल के पौधे में, कि गुड़हल के पौधे में जो भी फ्लावरिंग खिल जाती है उनको आपको इस तरह से पौधे में नहीं छोड़ना है। उनको आपको जो है दोस्तों जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस तरह से तोड़ के हटा देना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों अगर आप इसको रहने दोगे तो क्या होता है, गुड़हल का जो पौधा होता है वो बीज बनाने पे ध्यान लगा देता है। जो है दोस्तों उसमें बीज बनने लगती है, फिर ना तो वो अपने ग्रोथ पे ध्यान लगाता है और ना ही जो है दोस्तों फ्लावरिंग पे ध्यान लगाता है। और एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो है गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स की प्रॉब्लम। गुड़हल के पौधे की जितनी ही तेज़ी से ग्रोथ होती है, उतना ही तेज़ी से जो है दोस्तों मिलीबग्स भी आके गुड़हल के पौधे में लग जाता है। आप कितने भी नुस्खे अपनाते रहो लेकिन फिर भी मिलीबग्स आके लगते ही लगते हैं। तो समय समय पे आपको जो है दोस्तों उसकी केयर करनी ही पड़ेगी और मिलीबग्स को जो है दोस्तों वो देखभाल करना ही पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है दोस्तों मिलीबग्स से रिलेटेड शेयर किया हुआ था, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपके पौधे में इस तरह की मिलीबग्स की प्रॉब्लम आ रही है तो उससे जो है दोस्तों आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज जो है दोस्तों मैं आप सभी के साथ एक खाद शेयर करने वाली हूँ, जिसका उपयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हो तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्फर फ्लावरिंग करने लगेगा। और ये जो है दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिसके पास वक्त ना हो, और जो है दोस्तों वो घर में जो है दोस्तों वो फर्टिलाइजर बनाने का वक्त ना हो, वो घर के फर्टिलाइजर बना के नहीं देना चाहते हैं, तो वो जो है दोस्तों मार्केट से ला के दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो मैं आप सभी को एक जो है दोस्तों मार्केट का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग से भी आपका जो गुड़हल का पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्फर फ्लावरिंग करने लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि आपको फ्लावर्स को जो है उसको हटा देना है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है दोस्तों, वो यह करना है कि आपको समय समय पर यह ध्यान देना है कि आपके गमले की मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए। गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गमले का ड्रेनेज जब ख़राब होता है दोस्तों, तो क्या होती है कि पौधे में जो है वो
गमले में पानी जमने लगती है, तो उस कारण से क्या होता है, उस कारण से जो है दोस्तों हमारा गुड़हल का जो पौधा है उसके रूट्स जो है वो सड़ने लगते हैं। क्योंकि जो है दोस्तों कोई भी पौधे में पानी अभी अगर जमा होकर रहेगा तो फिर जो है दोस्तों जेन्युइन है कि उसके रूट्स जो है वो सड़ेंगे ही सड़ेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों, वह यह ध्यान देना है कि समय समय पर आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करती रहनी है। मिट्टी जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही हल्की रहनी चाहिए, एकदम हार्ड मिट्टी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान देने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान दे दिए हो दोस्तों, तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि आज जो है दोस्तों हम लोग कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपने पौधे को जो है दोस्तों वो क्या फीड करवाने वाले हैं। तो आज फर्टिलाइज़र के तौर पर हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो है दोस्तों एक चम्मच ये लिया हुआ है, ये ब्लैक कलर की चीज़। जो चलिए मैं आप सभी के साथ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है दोस्तों ये क्या है। तो ये जो है दोस्तों ये है DAP, और DAP जो है दोस्तों इसको डाई एमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने जो है दोस्तों और एक वीडियो में DAP का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों मैंने बताया हुआ था, मैंने नींबू से रिलेटेड वीडियो शेयर किया हुआ था, और उसमें बहुत सारे लोगों के यह कमेंट आए हैं कि DAP जो है दोस्तों ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात आप यह जान लें कि DAP जो है दोस्तों इसको डाई एमोनियम फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है दोस्तों ये एक रासायनिक उर्वरक है जो पौधे की जो है दोस्तों वो पोषण के लिए और उसके जो है दोस्तों अंदर उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खेती बाड़ी में जो है दोस्तों बहुत सारे लोग किसान लोग जो होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो बड़े बड़े खेतों में धान वगैरह गेहूं वगैरह लगाते हैं, वो जो है दोस्तों इस DAP का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़ करने वाला जो है दोस्तों फर्टिलाइज़र है। इसके हमारे जो है दोस्तों वो खेती बाड़ी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए जो है दोस्तों आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेकिन ये जो है दोस्तों एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो ये उन लोगों के लिए है जो जिसके पास वक्त ना हो, जो घर के जो है दोस्तों वो बनाए हुए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल कर ले मार्केट से ला के, उसके लिए जो है दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होने वाला है। इसकी अगर आप सही क्वांटिटी में अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो तो ये जो है दोस्तों आपके पौधे को किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाता है, और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो चलिए मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है अपने पौधे में। और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है दोस्तों, इन्हीं लोगों की सहायता से यही नाइट्रोजन और फास्फोरस का सोर्स अगर हमारे पौधे को मिलता है दोस्तों, तो हमारा पौधा एकदम हरा भरा बना रहता है, और जो दोस्तों बहुत ही अच्छी फास्फोरस की सहायता से बहुत ही अच्छी जो है दोस्तों वो बम्पर फ्लावरिंग करता है। इसलिए आप अगर जो है दोस्तों होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैंने होममेड फर्टिलाइज़र भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो मैं उसका भी लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो है दोस्तों ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं दोस्तों कि मुझे जो है वो तुरंत से इस्तेमाल करने वाला फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उनके लिए जो है दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होने वाला है। तो ये जो है दोस्तों इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में भी, या फिर जो है दोस्तों आप लिक्विड के फॉर्म में इसको बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं जो है दोस्तों वो आज लिक्विड के फॉर्म में बना के इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ जो है दोस्तों मैंने भिगो के कम से कम 10 से 15 दाना जो है वो आधा लीटर पानी में भिगो के पहले से ही रखा हुआ था, क्योंकि ये जो है दोस्तों इसको घुलने में कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लगता है, तो आप पहले ही इसको भिगो के रख दोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है दोस्तों वो भिगो के रखा हुआ था, तो इसको मैं क्या करूँगी अभी घोल लूँगी, और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पानी में घुल भी चुका है, देख सकते हैं बस हल्की सी जो है दोस्तों वो घुलने के लिए बची हुई है, थोड़ा सा आप इस तरह से इसको घोल दोगे तो ये बहुत ही अच्छे से घुल जाएगा। और ये जो आधा लीटर पानी में मैंने 10 से 12 दाना लिया हुआ है दोस्तों, ये एक पौधे के लिए काफ़ी है। मैं जो है दोस्तों आपको एक पौधे का मेजरमेंट बता रही हूँ, आप इसी तरह से सारे ही पौधे में इसी मेजरमेंट से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार ही करना है, और अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक बार अपने गमले में कर लिए हो, तो फिर जो है दोस्तों आप दोबारा कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र हो या फिर जो है दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र हो, किसी
किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल दोबारा से अपने पौधे में ना करें। कोई भी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले जो है दोस्तों आपको अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन मैंने जो है दोस्तों अभी एक दो दिन पहले ही गमले की मिट्टी की गुड़ाई की हुई हूँ, तो मैं जो है दोस्तों अभी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरह से फर्टिलाइजर को दे दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको फर्टिलाइजर को दे देना है, और फर्टिलाइजर को जो है दोस्तों आपको शाम के टाइम पर देना है या फिर मॉर्निंग के टाइम पर देना है। और अगर आप धूप के टाइम पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर जो है दोस्तों आप इसको शेडी वाले एरिया में रख सकते हो या फिर जो है दोस्तों इसको ग्रीनेट के नीचे रख सकते हो। मैं अभी धूप में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं जो है दोस्तों इसको ग्रीनेट के नीचे रखूंगी, इसीलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरह से जो है दोस्तों आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है और अपने पौधे की केयर करनी है और अपने पौधे को जो है दोस्तों न्यूट्रिशन देना है। आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा। और अगर आप होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसकी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको उसके साथ साथ केयर टिप्स को भी फॉलो करना है। केयर टिप्स को भी आप फॉलो करें और जो है दोस्तों इस तरह से न्यूट्रिशन को भी दें। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने अपने मोगरे के पौधे की इतने अच्छे से केयर किया हुआ था, उसका वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ था, और आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे में कितनी अच्छी एकदम बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। आप जो है दोस्तों मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा दोस्तों कि आपको अपने मोगरे के पौधे में किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से न्यूट्रिशन देना है, जो आपका मोगरा का भी जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी एकदम बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा। और हम गार्डनर्स लोग जब देखते हैं कि हमारा पौधा इतना अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, इतनी अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा है, तो हमें जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह से मैं अपने पौधे की केयर करती हूँ और मैं अपने पौधे से जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी ले रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।